बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो पहला सवाल है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी स्टेट कुलम, और ऑप्शन ए में जो दिया गया है न्यूटन। दोस्तों न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है, और ऑप्शन सी में जो दिया गया है डाइन। तो दोस्तों डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया गया है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा डाइन। और ऑप्शन डी में जो दिया गया अर्ग, तो दोस्तों अर्ग जो है वो कार्य का सीजीएस मात्रक है, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा स्टेट कुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.8 न्यूटन। और थर्ड क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण वो कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्क। दोस्तों जड़त्व आघूर्ण वो कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉर्क। और संवेग जो है वो वेग गुने द्रव्यमान, यानी कि संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान, वेग गुने द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो संवेग। और कार्य जो है दोस्तों, कार्य जो है बल गुने विस्थापन कार्य कहलाता है, और रेखीय चाल जो है कोणीय चाल गुने त्रिज्या बराबर रेखीय चाल होता है। एक बार फिर से सुनिए, टॉर्क जो है जड़त्व आघूर्ण वो कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो टॉर्क कहते हैं। और संवेग जो है वेग गुने द्रव्यमान को संवेग कहते हैं, और कार्य जो है वो बल गुने विस्थापन को कार्य कहते हैं, और रेखीय चाल जो है रेखीय चाल कोणीय चाल गुने त्रिज्या को रेखीय चाल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण वो कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, यदि नहीं जानते हैं तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगी। तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व। घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहती है, बाकी सारे चीज़ बदल जाते हैं लेकिन घनत्व वो परिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सी पर होता है। या पानी का घनत्व अधिकतम या आयतन न्यूनतम कितना डिग्री पे होता है? तो 4 डिग्री सी पे। और ऑप्शन ए में जो दिया गया 100 डिग्री सी, यानी कि 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी जो है पानी का क्वथनांक है इस तापमान पे, यानी कि 100 डिग्री तापमान पे पानी जो है उबलने लगता है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया 0 डिग्री सी, तो दोस्तों 0 डिग्री सी पे बर्फ, यानी पानी बर्फ बन जाता है, यानी कि जम जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जल का द्रव्यमान कितना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0 डिग्री सी। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है 32 फ़ारेनहाइट, दोस्तों 32 फ़ारेनहाइट जो जीरो के बराबर होता है, इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पानी का हिमांक कितना होता है, कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पानी के घनत्व अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दी जाए, जब किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुनी। दोस्तों जब किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगला सवाल है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? महाभिव्याई क्वेश्चन, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प कली से। और गाजर जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है, तना से जूट प्राप्त किया जाता है, आलू प्याज लहसुन ये सब तना से प्राप्त किया जाता है, बीज से प्राप्त क्या प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों बीज से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है, और कपास भी बीज से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पुष्प कली से। अगला सवाल है, इकोसिस्टम का प्रतिपादन किसने किया? इकोसिस्टम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेंसले ने। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम का प्रतिपादन किया था।
और ऑप्शन बी में जो दिया गया अरस्तु। अरस्तु जो दोस्तों ये जंतु विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। और जी एफ मेंडल जो है ये अनुवांशिकी का खोज किया था। और लैंड स्टीनर यानी कि कार्ल स्टीनर जो है ये रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा कार्ल स्टीनर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया इकोसिस्टम का प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बुद्धिमान कप्पी कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंपांजी। दोस्तों चिंपांजी जो है सबसे बुद्धिमान कप्पी है, और गोरिल्ला जो है वो सबसे बड़ा कप्पी है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है गिब्बन, दोस्तों गिब्बन जो है सबसे छोटा कप्पी है। और कंगारू जो है वो एकमात्र स्तनधारी है जो कि अपरिपक्व बच्चा पैदा करता है, यानी कि समय से पहले बच्चा पैदा करता है और वो अपने थैली में लेकर बच्चे को कुछ दिन तक घूमता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन में सबसे बुद्धिमान कप्पी कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंपांजी। अगला सवाल है महिला नसबंदी क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। दोस्तों महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, और पुरुष नसबंदी जो है वैसेक्टोमी कहलाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है एस्ट्रोजन, दोस्तों एस्ट्रोजन जो है महिला हार्मोन है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है जो कि बी लिखा गया है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए। ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टोस्टेरोन वो पुरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और महिला हार्मोन के नाम से एस्ट्रोजन का जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है महिला नसबंदी क्या कहलाता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। अगला सवाल है मानव शरीर में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। दोस्तों मानव शरीर में हाइड्रोजन 10% होता है, और सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो कि 65% होता है, जो कि ऑप्शन ए में दर्शाया गया है। और ऑप्शन बी में दर्शाया गया है कार्बन की मात्रा, दोस्तों मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 18%। और मानव शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10%, और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3%, और कैल्शियम की मात्रा होती है 2%। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, महाभिव्याई क्वेश्चन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। दोस्तों फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, और फ्लोरीन जो है हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे यानी कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। और ऑप्शन ए में दिया गया है 8, दोस्तों 8 जो है वो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया 6 वो कार्बन का परमाणु संख्या है, और ऑप्शन डी में जो दिया गया 11 वो सोडियम का परमाणु संख्या है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। अगला सवाल है जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो दोस्तों जी का मान जो है न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, और अधिकतम ध्रुव पे होता है, और जी का मान शून्य यानी कि केंद्र पे शून्य होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का मान कहाँ शून्य होता है, तो केंद्र पे, और न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर, अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जी का मान यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है तांबा का लैटिन नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीपुरम। दोस्तों कीपुरम जो है तांबा का लैटिन नाम है, और ऑप्शन ए में जो दिया गया है नेट्रियम, दोस्तों नेट्रियम जो है वो सोडियम का लैटिन नाम है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है कैलियम, तो दोस्तों कैलियम जो है पोटेशियम का लैटिन नाम है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया फेरम, तो दोस्तों फेरम जो है लोहा का लैटिन नाम है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तांबा का लैटिन नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीफ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया बोरेक्स जो है वो सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स किसका अयस्क है, तो सोडियम का अयस्क है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया वॉक्साइड, दोस्तों वॉक्साइड जो है वो अल्मोनियम का अयस्क है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अल्मोनियम का निष्कासन किस अयस्क से होता है, तो वॉक्साइड से। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन कैल्शियम का अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिप्सम। अगला सवाल है महिला एशिया कप हॉकी 2017 में किसने जीता,
तो दोस्तों महिला एशिया कप हॉकी 2017 में किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों भारत ने महिला एशिया कप हॉकी 2017 में जीता था, लेकिन उप विजेता कौन बना था, तो उप विजेता चीन बना था। और महिला एशिया कप 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो जापान में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, महिला एशिया कप हॉकी 2017 में किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस ऐप का संबंध डाक बीमा क्षेत्र से है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्पण ऐप। दोस्तों दर्पण ऐप का संबंध डाक बीमा क्षेत्र से है, और ऑप्शन ए में जो दिया गया है आरंभ ऐप। दोस्तों आरंभ ऐप का संबंध सड़क सुरक्षा से है, आप इसे बोल सकते हैं सड़कों के रखरखाव से संबंधित है आरंभ ऐप। और सचेत ऐप का संबंध बैंकों में धोखाधड़ी से है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सचेत ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बैंकों में धोखाधड़ी से। और तेज ऐप का संबंध किस, जो ऑप्शन डी में दर्शाया गया तेज ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों तेज ऐप का संबंध कैशलेस यानी कि डिजिटल पेमेंट से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में किस ऐप का संबंध डाक बीमा क्षेत्र से है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्पण ऐप। अगला सवाल है, वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाला भारत का प्रथम गेंदबाज कौन है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेतन शर्मा। और ऑप्शन सी में जो दिया गया कपिल देव। दोस्तों कपिल देव जो है ये दूसरे गेंदबाज बने थे हैट्रिक लेने वाले, लेकिन प्रथम गेंदबाज जो है चेतन शर्मा है जो कि हैट्रिक लिए थे। और कुलदीप यादव तीसरा यानी कि गेंदबाज है भारत की तरफ से जो कि वनडे में हैट्रिक लिए हैं। और स्पिनर में पूछा जाए, स्पिन में सबसे पहले हैट्रिक विकेट किसने लिया वनडे क्रिकेट में, तो कुलदीप यादव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन किसी वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले भारत का प्रथम गेंदबाज कौन है, तो चेतन शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र कहाँ खोला गया, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदिशा में। विदिशा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ भारत का प्रथम पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है मालवा, तो दोस्तों मालवा में भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य खोला गया है, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मालवा किस जगह पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। और यहाँ भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य खोला गया है मालवा में। और गुरुग्राम क्षेत्र जो है वो हरियाणा में पड़ता है, यहाँ भारत का प्रथम रक्षा विद्यालय की स्थापना किया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत का प्रथम पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र कहाँ खोला गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदिशा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला सवाल है 20वां सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों 20वां सवाल है, विश्व हिंदू सम्मेलन 2017 में कहाँ हुआ, तो आंसर हो जाएगा काठमांडू। विश्व हिंदू सम्मेलन 2017 में कहाँ हुआ, तो काठमांडू ऑप्शन सी सही आंसर है। और विश्व योग सम्मेलन 2017 में कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन बी दिल्ली में। और विश्व विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ था, तो दोस्तों विश्व विज्ञान महोत्सव चेन्नई में हुआ था, और विश्व योग सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो काठमांडू में विश्व हिंदू सम्मेलन 2017 में किया गया था।